जैसे इस साइड घुमाओगे ना तो स्टेयरिंग छोड़ोगे, देखो ये देखो। तो आप इसको स्पोर्ट मोड में करते हो स्टेयरिंग को, क्योंकि स्टेयरिंग में आपको थोड़ी हैवीनेस चाहिए होती है उस वक्त। और गाड़ी अभी थर्ड गियर में चल रही है, स्पीड देख लो 24-25 की है, पर बिल्कुल भी ना गाड़ी ऐसा नहीं है कि गियर मांग रही है कि भाई बिल्कुल ऑटोमेटिकली मारती है, एकदम प्यार से चलाओ गाड़ी को, इसकी एवरेज भी अच्छी खासी निकलेगी। आप ना स्टेयरिंग घुमाते घुमाते ये चेंज नहीं कर सकते। और मैं सोच रहा हूँ कि इस गाड़ी का एक बार ऑफ रोड टेस्ट भी किया जाए आपको। ये देखो भाई क्या आवाज, क्या आवाज। Anxiety filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build. हाँ जी, तो भाई लोग फिर से आपको स्वागत है इसे एक और नई वीडियो में। आई होप आप सब एकदम बढ़िया होगे, एकदम मस्त होंगे। तो आज आपके लिए फिर से ले आए अपनी XUV 3XO पे एक और नई वीडियो। तो अब आपने इसके डिलीवरी वाला आप लोग देख लिया, रिव्यू भी हो गया, इसकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी हो गया। अब इसका रह गया था लास्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट ड्राइव रिव्यू, ये गाड़ी चलाने में कैसी है और जब इस गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो कैसा लगता है, कैसा फील होता है, वो सब आज आपको इस वीडियो में मैं शेयर करने लगा हूं कि गाड़ी का ड्राइविंग रिस्पॉन्स कैसा है, कोई गाड़ी में दिक्कत तो नहीं है, या इसमें व्यू वगैरह कैसा आता है ड्राइविंग के वक्त, तो वो सब आपको आज बताएंगे और POV से दिखाएंगे। ठीक है, फोन पकड़ के नहीं दिखाएंगे, कैमरा लगाएंगे, यहाँ पे पूरा पॉइंट ऑफ व्यू वाला व्लॉग होने वाला है आज का। तो चलो फिर भाई शुरू करते हैं आज का ये व्लॉग। Thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird. I can't seem to focus good enough. चलो तो भाई शुरू करते हैं। ये रही हमारे पास गाड़ी की चाबी, ठीक है, और ये रही हमारी XUV। वैसे इसका कोई अब तक ऐसे नाम रखा नहीं है तो आप लोग बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मिल जाता है कीलेस एंट्री, चाबी की कोई जरूरत नहीं है, इस चाबी का कोई काम नहीं है गाड़ी में। चाबी आप सिंपल गाड़ी में एंटर करके या तो यहाँ कप होल्डर मिलते हैं आपको दो, इसमें रख दो, या तो आपको यहाँ पे हैंड रेस्ट मिलता है उसके अंदर आपको जगह मिलती है तो इसके अंदर रख दो। यहाँ पे मैंने अपनी वायर्स वगैरह रखी हुई है। पहले तो फटाफट गाड़ी स्टार्ट करें, एक बार गर्मी बहुत हो रही है। और यहाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक कैमरा मेरा ये फोन से कनेक्ट हो जाए ताकि मैं एंगल देख पाऊँ। अच्छा, ब्लूटूथ बंद था। करते हैं शुरुआत के इस वीडियो को, उससे पहले हम पहन लेते हैं सीट बेल्ट। तो ये हमारे पास सुंदर सा स्टीयरिंग यहाँ पे महिंद्रा की तरफ से, और यहाँ पे आपको मिल जाता है स्टीयरिंग को एडजस्ट करने के लिए, सिर्फ टिल्ट मिलता है आपको, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता, तो इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। यहाँ पे आपको मिलती है मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट, 6-way एडजस्टेबल सीट सही है, तो आप इसको हाइट एडजस्टमेंट और जो बैक वाली होगी एक आगे पीछे होगी, ठीक है। तो इस साइड आपको मिलते हैं सारे इस म्यूजिक सिस्टम से रिलेटेड कंट्रोल्स, इस साइड आपको मिलता है क्रूज कंट्रोल और इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल। तो चलो फिर लेट्स गेट स्टार्टेड। बाकी यहाँ का कंसोल चेक करो एक बार, क्या सही लगता है ना भाई ये। इस गाड़ी को ना पहली बार देखती है, मतलब इस गाड़ी से ना भाई ऐसा प्यार हो गया था ना कि भाई क्या बात है, क्या लुक है गाड़ी की। जिस दिन शोरूम देखने गए थे ना, और आज फाइनली हम उसी गाड़ी में घूमते होते हैं। यहाँ पे काफी सुंदर पैनल्स मिलता है वो ग्लोसी ब्लैक, ग्लोस ब्लैक, ठीक है। मतलब गाड़ी का इंटीरियर एक नंबर बना रखा है भाई महिंद्रा ने, ये तो कहना पड़ेगा। और अब जो नई थार भी आई है, थार रॉक्स, उसका भी एक जल्दी एक वीडियो आने वाली है, ठीक है, थोड़ा वेट करो बस, क्योंकि एक बार शोरूम में गाड़ी आ जाए तो उसकी भी जल्दी वीडियो आने वाली है, और उसका इंटीरियर भी कुछ इससे मैच कर रहा है। क्या हो गया, दरवाजा खुला है। तो अभी ना वैसे मैं मोहाली में था, शॉप पे बैठा था, मैं कहा चलो एक ड्राइव रिव्यू बनाई आते हैं, अभी फ्री बैठे तो क्यों ना एक ड्राइव रिव्यू बनाया जाए इस पे। हाँ, तो देखो गाड़ी जब आप पहली बार चलाओगे, सबसे पहले आपको सबसे पहली चीज क्या फील होगी कि इसका स्टेयरिंग भाई इतना लाइट है, इतना ज्यादा लाइट है ना, मतलब एक हाथ से भी आप इसको ऐसे आराम से कहीं भी घुमा लोगे, देखो। और भाई पूरा क्विक रिस्पॉन्स है इसका, जैसे इस साइड घुमाओगे ना तो स्टेयरिंग छोड़ोगे, देखो ये देखो भाई स्टीयरिंग छोड़ती है अपनी जगह पे वापस आ जाता है घूम के। स्टीयरिंग में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, अगर आपको स्टीयरिंग ज्यादा ही हल्का लग रहा है तो यहाँ पे आपको जो सबसे कोने वाला बटन है स्टीयरिंग बन रखा है इधर, यहाँ पे आपको तीन तरह के स्टीयरिंग मोड मिलते हैं, नंबर 1 नॉर्मल, स्पोर्ट एंड कम्फर्ट। अभी कम्फर्ट मोड में है सबसे हल्का जो है, ठीक है, तो कम्फर्ट मोड पे अभी गाड़ी स्टीयरिंग। और इसका जो टॉप मॉडल आता है उसमें आपको स्टीयरिंग मोड नहीं मिलते, उसमें आपको ड्राइव मोड मिलते हैं, जिप और जैप और जूम में, महिंद्रा का जिप जैप जूम है, तो ये तीन मोड मिलते हैं, पर इसमें स्टीयरिंग मोड है। तो जैसे आप हाईवे पर चला रहे हो गाड़ी तो आप इसको स्पोर्ट मोड में कर दो स्टीयरिंग को, क्योंकि स्टीयरिंग में आपको थोड़ी हैवीनेस चाहिए होती है उस वक्त, ताकि कंट्रोल आपको अच्छा बना रहे, और जब गाड़ी क्रूज कंट्रोल पर लगी हो तो स्टीयरिंग जो है ना वो यहाँ वहाँ भागता इसमें भी नहीं है, पर स्पोर्ट्स मोड में थोड़ा और स्टीयरिंग ना बेटर हो जाता है हाईवे के लिए। सिटी के लिए तो भाई कम्फर्ट मोड बेस्ट है। और गाड़ी अभी थर्ड गियर में चल रही है, स्पीड देख लो 24-25 की है, पर बिल्कुल भी ना गाड़ी ऐसा नहीं है कि गियर मांग रही है कि गियर और कम करो, ठीक है। थर्ड गियर में भाई बड़े प्यार से एकदम मक्खन की तरह निकल रही है गाड़ी। वैसे हाँ, इस वीडियो के लिए बता दूं, क्योंकि कई लोग होंगे ऐसे जो पहली बार इस वीडियो में आ रहे हैं, तो ये है XUV 3XO X5 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन। हमारे फैमिली में भी भाई ये पहली गाड़ी जिसमें टर्बो डीजल इंजन है। इससे पहले हमारे पास वेन्यू भी है, वो पेट्रोल है, पर जितनी भाई पावर इसमें है ना, वेन्यू तो कंपेयर कर नहीं सकते इससे, वो 1200 सीसी 3 सिलेंडर है और ये 1500 सीसी 4 सिलेंडर है। पावर
रहेगा भाई, ऑब्वियस फर्क तो रहेगा ही। देखो मैं अगर आपको पर्सनली बताऊँ ना, तो मेरे ख्याल से XUV 3XO ना, ये ऑटोमेटिक लेने का कोई फायदा मेरे को लगता नहीं है, क्योंकि उसमें ना आपको एक दो सेकंड का ना लैग दिखता है, मतलब गियर शिफ्टिंग में लैग दिखता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप ये गाड़ी ले रहे हो ना, तो मैनुअल लो, चाहे पेट्रोल लो, डीजल लो। पेट्रोल में भी आपका ये टर्बो इंजन आता है और डीजल में भी टर्बो इंजन आता है। पेट्रोल में आपका वही 1.2 लीटर का टर्बो इंजन आएगा और डीजल में 1.5 लीटर का टर्बो इंजन। जो डीजल है ये प्रोड्यूस करती है 113 bhp, 300 Nm टॉर्क। कई लोग कहते हैं भाई गियर में ना वाइब्रेशन है इसमें, पर वाइब्रेशन है पर सिर्फ जब आप गाड़ी स्टार्ट करोगे तब, ठीक है। जैसे ये गाड़ी बंद है, ये देखो अभी थोड़ी सी ये गाड़ी स्टार्ट करी मैंने, तो ये बहुत थोड़ा सा वाइब्रेशन आता है, पर वैसे जब गाड़ी चल रही हो ना तो इसमें इतना वाइब्रेशन कोई फील होता नहीं है। बात करते हैं नीचे क्लच भाई इसका बहुत ज्यादा लाइट है। हाँ इसका जो ट्रैवल है ना वो थोड़ा ज्यादा है, पर भाई मेरे हिसाब से तो मेरे को तो उसका ट्रैवल ना ठीक लगता है, क्योंकि हमारी वेन्यू का क्लच का ट्रैवल कम है। क्रूज कंट्रोल जो आपको पता ही कि अगर एक्टिव करना तो कम से कम 40 की स्पीड होनी चाहिए आपकी, अभी 46 है, मैं एक्टिव कर दूंगा तो ये अपना क्रूज कंट्रोल लग गया है। ये चीज कभी मत करना, ठीक है, कि स्टीयरिंग से हाथ छोड़ के चलाओ आप गाड़ी। अगर आप इसका एडास वाला भी लेते हो तो वो भाई कभी ना करना, वो चलो आपको एक मान लो एक छोटी सी एक स्पोर्ट दे रहा है एडास आपको, पर ध्यान तो भाई आपको पूरा रोड पे होना ही चाहिए, चाहे आप एडास लगा रहे हो चाहे क्रूज कंट्रोल जो मर्जी लगा रहे हो, ठीक। गियर बॉक्स में कोई दिक्कत नहीं है इसके, अरे वेन्यू में सिर्फ एक दिक्कत है जो सबसे मेन है। वेन्यू में सिर्फ एक दिक्कत ये कि ना जो वेन्यू का रिवर्स गियर है ना, रिवर्स गियर वो दिक्कत का हो या पता नहीं, वो सब वेन्यू में एक फीचर दे रखा है कि रिवर्स गियर ना उसका अड़ता है, कभी कभी जैसे अड़ जाता है जब से रिवर्स डालना हो ना, पर इसमें चलो कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, ठीक है। हम वेन्यू की बात क्यों कर रहा हूँ मैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है गियर शिफ्टिंग की ऐसी। देखो भाई बिल्कुल गाड़ी झटके नहीं मारती, एकदम प्यार से चलाओ गाड़ी को, इसकी एवरेज भी अच्छी खासी निकलेगी। हाईवे में मैंने इसकी एवरेज निकाली है 17-18 की, और सिटी में मैंने निकाली अब तक 12-13 की, ठीक है। मैक्स नहीं है, सीधा ही चलते हैं, मैक्स मैंने इसकी 13 की एवरेज निकाल ली है सिटी में। बाकी ये चलो आपके ड्राइविंग पे है, मैं थोड़ी गाड़ी भगा भी लेता हूँ बीच बीच में। एसी की बात करें, एसी काफ़ी मस्त है इसका, कूलिंग कर देता है काफ़ी जल्दी, पर जैसे हालात है ना बाहर इतनी गर्मी है, जब गाड़ी लगातार आपकी इतनी गर्मी में खड़ी होती है ना बाहर, तो थोड़ा टाइम लग जाता है कूल होने में अंदर। एसी काफ़ी सही है सर, जैसे अभी तो भाई मेरे को ठंड लगने लगी सही में। हाँ एसी में आपको यहाँ मिलते हैं मेमोरी ऑप्शन मिलते हैं आपको, ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। मैंने एक पे सेट कर रखा है कि जो टेम्परेचर है वो हाई रहे, और फैन की स्पीड मैंने इसकी 3 या 4 की सेट कर रखी है, ठीक है। फर्स्ट मेमोरी, सेकंड में मैंने क्या सेट रखा है, सेकंड में मैंने करा है इसका डीफोगर ऑन हो जाए, जो डीफोगर होते हैं बरसात के मौसम में अभी, तो मैंने इसलिए वो सेकंड पे सेट कर रखा है। और तीसरे मैंने वही करा है कि वहाँ पे थोड़ी हवा कम हो जाए, यहाँ पे उतनी रहे जितनी रखा, क्योंकि भाई मेरे को ना गर्मी बहुत लगती है, तो कभी जो मेरे साथ बैठा होता है ना भाई उसको ठंड लगने लग जाती है, ताकि वो बार बार यहाँ पे हाथ में लगाना पड़े, सीधा एक बटन दबाओ और मेमोरी सेटिंग्स आपकी होगी ऑन। अब यहाँ पे थोड़ी आपको गाड़ी भगा के दिखाएंगे, पर जैसे ही आपको पता है कि यह चंडीगढ़ तो यहाँ पे ज्यादा कुछ भगा सकते नहीं हो, पर चलो जितनी भी आपको थोड़ी दिखाते हैं। देखो भाई 2000 rpm के बाद जो पुश मिलता है ना आपको, क्या बात है। हाँ बस ये थोड़ा आपको दिखाना था इसका पिकअप कैसा, पिकअप इस पिकअप में कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे देखो शेयरिंग हल्का है, तो यहाँ मैं अभी इसको स्पोर्ट मोड में कर दूंगा, ठीक है। वो आपको मोड जो है ना वो यहाँ पे शो करता है, आगे जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इधर आपको शो करेगा कि गाड़ी का जो शेयरिंग का कौन से मोड पे है। हाँ तो अब बात करते हैं इसकी ब्रेकिंग की, इसमें आपको मिलती है चारों की चारों डिस्क ब्रेक्स विद ABS, EBD और भी काफी कुछ। और हाँ इसमें हिल होल्ड कंट्रोल भी है, उसका आपको यहाँ पे बटन दिखेगा पर वो इसमें है। आपको 5 या 6 सेकंड का टाइम मिलता है, 5-6 सेकंड के अंदर अंदर आपको ना आप गाड़ी को उठा सकते हो, ठीक है। मान लो ट्रैफिक पे हो, पहाड़ पे ड्राइव कर रहे हो, पहाड़ पे ऐसे ट्रैफिक लगी हुई है, तो अगर आप ब्रेक से पैर हटाओगे ना तो जो गाड़ी वो पीछे नहीं आएगी, ठीक है। आपको आपके 5 सेकंड होंगे कि आप गाड़ी को आगे ले जाओ, तो वो एक काफी अच्छी चीज होगी है जो न्यू ड्राइवर्स होते हैं उनके लिए। अच्छा मैंने इसमें एक और चीज नोटिस करी है कि आप ना स्टीयरिंग घुमाते घुमाते ये चेंज नहीं कर सकते, स्टीयरिंग जब बिल्कुल ऐसे सीधा रहे ना उसी वक्त चेंज कर सकते हो, जिस स्टीयरिंग मूव कर रहे हैं ना थोड़ा बहुत भी, तो ये अगर आप दबाओगे तो ये चेंज नहीं होगा। ये पिलर जो है ये गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं देते विजिबिलिटी में। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिलते हैं, आप उसको ऑन रखो तो अपने आप हेडलाइट ऑन हो जाए करेगी रात को। ऑटोमेटिक वाइपर्स मिलते हैं, जैसे वाइपर को आप एक बार पहले ऑन कर दो, उसके बाद यहाँ पे जो ये देख रहा है ऑटो लिखे इस पे, इसको ऑटो पे कर दो, तो जब बारिश होगी तो वाइपर भी अपने आप चलेंगे, अपने आप ही वाइपर की स्पीड भी कंट्रोल होगी। चलो ये तो नॉर्मल है, वैसे हर किसी को पता ही होता है ये फीचर्स तो, पर फिर भी मेरा काम है आपको ये सब बताना जो जो गाड़ी में है, एक एक छोटी छोटी चीज़ें। और मैं सोच रहा हूँ कि इस गाड़ी का एक बार ऑफ रोड टेस्ट भी किया जाए, तो आप लोगों को बताओ कि वो करे कि ना करे।
अगर आप कमेंट में बताओगे कि हाँ इसका ऑफ रोड टेस्ट करो, तो अगली वीडियो जो है ना इस पे ऑफ रोडिंग टेस्ट की आएगी और अच्छी खासी ऑफ रोडिंग करेंगे। एक कोई जगह ढूंढ लेंगे कोई ना ऑफ रोडिंग की, वहाँ जाके ऑफ रोडिंग करेंगे। अच्छा, एक बंदे का कमेंट आया था कि पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ, उसने कुछ ऐसा लिखा था, तो मैं बता दूँ कि जो पैसेंजर एयरबैग होता है ना उसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो। उसका जो ये होता है ना ऑन ऑफ करने का, वो उस साइड मिलता है डोर का, ठीक है। जैसे डोर खोलोगे ना तो यहाँ साइड में होता है, तो वो आप हाथ से ऐसे घुमा के उसको ऑन ऑफ कर सकते हो। वैसे तो भाई जरूरत है नहीं कुछ उसको, क्यों ही ऑफ करना, ऑन ही रहता है। और यहाँ पे एक लाइट, यहाँ लिखा होता है यहाँ पे ना लाइट जगती है, ये देखो ऑन है, ठीक है। यहाँ आपको मिल जाता है ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने का, इसको अगर आप दबाओगे ऐसे तो सामने ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ हो गया। वैसे तो मैंने एक पूरा फुल रिव्यू वीडियो उस पर बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी तो वो जाके एक बार मेरे चैनल पर जाके देख लेना। यार मैं सोच रहा था कि आपको वो चीज़ कहाँ दिखाई थी, उसमें हिल होल्ड कंट्रोल है ना, वो कैसे काम करते हैं, वैसे काम तो क्या, पर एक बार आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना था मेरे को। चलो फिर आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, अगली जो वीडियो है इसकी ऑफ रोडिंग जो टेस्ट करेंगे उस पर होगी। यहाँ से मेरे कहाँ से निकल नहीं पाएगी गाड़ी, क्योंकि अपनी गाड़ी भाई उस गाड़ी से काफी चौड़ी है। तो हाँ, फिर आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको मेरी अगली किसी बड़ी ऐसी वीडियो में। Till then, bye.